हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है धर्मपाल जी, जिन्होंने आज सपा से बीजेपी को ज्वाइन किया है। सर, क्या सोच के आपने सपा छोड़ के बीजेपी को ज्वाइन किया है? नहीं, मैं निश्चित रूप से आदरणीय मोदी जी और योगी जी की नीतियां देश को मजबूत करने का काम कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश भी विकास के पथ पर है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। इन सब चीजों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का। चुनाव आ गया है, अतमादपुर से आप विधायक भी रहे हैं, तो क्या चुनाव लड़ा जाएगा आपकी तरफ से? अभी ये तो पार्टी तय करेगी, पार्टी का अधिकार है। अगर पार्टी लड़ाएगी तो जरूर लड़ेंगे। अखिलेश यादव लगातार दावे कर रहे हैं कि 300 प्लस सीटें आएगी, 400 करीब उनकी सीट आएगी, क्या कहें? अब मैं इस स्तर का नेता नहीं हूँ, एक विधानसभा स्तर का हूँ, तो मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता। आगरा में जहां से आप आते हैं, अतमादपुर से, विधायक के घर में, जो वर्तमान विधायक है राम प्रताप सिंह चौहान, उनके घर के बाहर समर्थकों का जमावड़ा हो गया है आपके बीजेपी ज्वाइन करने। अब मुझे जानकारी नहीं है, अभी मेरी जानकारी में नहीं। बीजेपी मतलब रहे कि आप चुनाव लड़ेंगे, ये आपकी कोशिश रहेगी? अभी देखिए, ये पार्टी तय करेगी। क्या कहेंगे बीजेपी के लिए, क्या कहेंगे जिस तरीके से चुनाव है? रूप से मैं प्रदेश की जनता से अपील करूंगा योगी जी के नेतृत्व में फिर से 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनने का काम करें। कुछ विधायकों ने भी कल इस्तीफा दिया है, उन विधायकों के लिए कुछ कहेंगे? नहीं, हमारे स्तर की नहीं है। शुक्रिया से बातचीत करने के लिए। ये हैं धर्मपाल जी, जिनका कहना है कि योगी और मोदी के नेतृत्व से प्रभावित होकर बीजेपी को ज्वाइन किया है, चुनाव लड़ने का फैसला बीजेपी संगठन करेगी। बहरहाल इनके बीजेपी ज्वाइन करते हुए एकमात्र में जो वर्तमान विधायक है उनके घर के बाहर समर्थकों का जमावड़ा लग गया है। कृष्ण कपिल सोलंकी के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।